तो मैं शादी यहीं करके रहूंगी। तो ये माना जाए कि अर्शी खान शादी आगरा में करेंगी, जो कि एक मोहब्बत की नगरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत है। और आगरा जरूर मैं अपनी शादी के एक दिन के बाद जरूर जाऊंगी मैं आगरा ताजमहल के पास। सनसेट वाला जो वो ये मस्जिद है और वो उधर एक घाट है, मतलब बिल्कुल। अब अगर ताजमहल आप देखेंगे तो वाकई में आपको अपने आपके साथ जो भी आप जिससे प्यार करते हैं उसकी ज़रूर याद आएगी। तो मैंने हाँ ये ज़रूर बोला कि अगर मेरी जल्द से जल्द अगर मैं शादी करने वाली हूँ तो मैं ज़रूर आगरा के अंदर शादी करूँगी। मैं तो बिल्कुल बिग बॉस से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिग बॉस वो जगह है जहाँ पर आपकी जो असलियत है वो सामने आ जाती है। तो मुझे तो डरना बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर कट इंसान थी और वही पब्लिक को मेरी आवाम को पसंद आया तो आई एम हैप्पी। बहुत सी गलत चीज़ें थी, बहुत बातें थी जब मैं बाहर निकली थी कि किसी लड़की ने बोला क्या कि अर्शी के 50 साल का हस्बैंड है और ये है वो है। तो मैं अपनी माँ से आज तक बोलती हूँ मम्मी मुझे बताओ मेरा वो हस्बैंड कहाँ है बुढ़ा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, 10 लोग होते हैं, 10 बातें करते हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना नाम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट इग्नोर, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अभी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 7 दिसंबर को जैसे हमारे दिलीप कुमार साहब थे उनको पाकिस्तान ने एक अवार्ड से नवाजा था, वैसे ही मैं जा रही हूँ खलीजी स्क्रीन अवार्ड है वहाँ पर मुझे पाकिस्तान की तरफ से ऑनर दिया जा रहा है 7 दिसंबर को दुबई में। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने जाते हैं और इंडिया और पाकिस्तान के जो भी रिश्ते हैं वो बेहतर बने, अच्छा है हम लोगों की वजह से, आर्टिस्ट की वजह से। तो आई एम सो हैप्पी कि पाकिस्तान की वजह से मुझे नवाजा जा रहा है और इंडिया में। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी, और बिग बॉस से निकलने के बाद अल्लाह का शुक्र है मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मैं लगातार काम कर रही हूँ। और आर्टिस्ट का ऐसा रहता है कि मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। अभी मैं रात में रूम में जाऊँ मुझे फ़ोन आ जाए कल मूवी की शूटिंग है, तो वो हम लोगों का कुछ पता नहीं रहता। मैंने पहले भी बोला ये बहुत गलत है, बिकॉज़ आप अगर इंडस्ट्री में देखेंगे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, लाइक स्मिता पाटिल थी, बहुत बड़ी बड़ी आर्टिस्ट जिन्होंने सीधा साड़ी पहन के अपने आप को इतनी बड़ी अदाकारा साबित किया। तो मेरे हिसाब से जिस्म दिखाना, जिस्म की नुमाइश करना फिल्म्स में उस जगह सही है जहाँ पर ज़रूरत है मूवी में, लेकिन हर वक्त नुमाइश करना इट्स नॉट गुड। ये थी अर्शी खान, जिनका कहना है कि बॉलीवुड में रहने के लिए सोशल मीडिया भी जरूरी है। आगरा से ईटीवी प्रकाश जायसवाल।